पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर काव्यांजलि का आयोजन, पूर्व मंत्री नीरा यादव हुई शामिल। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर जिला परिषद स्थित उत्सव पैलेस होटल में काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में सिमरिया विधायक किशन कुमार दास व जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कवियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता पेश की, लोगों ने तारीफ भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, यही कारण है कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका एक ही सपना अधूरा रह गया कि वे नदियों को जोड़ना चाहते थे, ताकि कोई नदी में बाढ़ ना आए और ना कोई नदी सूखी रह जाए, यही उनका सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें इन्हीं सोच को लेकर याद करते हैं और कहा कि उनकी सोच थी कि गांव स्मार्ट बने तभी देश विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने कहा कि वाजपेयी जी का किया हुआ कार्य आज भी लोग याद करते हैं। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य निशा कुमारी, जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारे अटल जी ने ये सोचा था कि कैसे हम गांव में हम स्मार्ट शहर बनाने की बात करते हैं, परंतु स्मार्ट गांव बनाने की बात नहीं करते। लेकिन स्मार्ट गांव बनाने का सपना किसने देखा? अटल जी ने देखा। वो सभी तरह से सर्वांगीण विकास करने के लिए उनकी सोच को देखिए, इतनी दूरदर्शिता हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं। जब वो जनता पार्टी जब अलग हो करके एक इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उसके पहले वो अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से लगातार उनकी सोच रही कि हम पार्टी को कुछ देने का काम करें और एक कैसे हम सुख समृद्धि के साथ लोगों को आगे बढ़ा सके। चारों ओर उनकी सोच, चाहे तो हम रोड को जोड़ने की बात कहें, नदियों की जोड़ने की बात कहें, अभी उनका एक ही सपना अधूरा रह गया, बाकी तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब पूरा होगा। कि उनकी एक सोच थी कि सभी नदियों को हम जोड़े, जिससे कि कभी ना किसी नदी में बाढ़ आए ना किसी नदी में सूखा रहे, ऐसी सोच थी जिसे आज हम पूरा नहीं कर पाए। बाकी तो सड़कों का जाल आपने देखा ही है जो कि लगातार बढ़ते गया है। उन्होंने मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और इन चारों को जोड़ करके उनको एक राजमार्ग देने के लिए, नेटवर्क से जोड़ने के लिए उन्होंने महानगरों को टारगेट किया। उनकी
उनकी सोच काफी आगे थी, काफी बड़ी भी थी। वो चाहते थे कि कल हो करके अगर हम सुविधा बनाएंगे आवागमन की, तभी हम विकास कर पाएंगे। और उनका उनकी एक एक बातें, एक एक चीजें हमें बड़ी याद करती है। अभी आप माला पहना रहे थे, बुके दे रहे थे, उनकी एक बात जो हमें याद आती है जब माला पहनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि मूर्ति पत्थर के होते हैं, ताकि जो भक्तों का स्नेह मिलता है, जो प्रेम मिलता है, उसे वो पत्थर की मूर्ति सहन कर सके। ये वर्ड उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि जब कार्यकर्ता माला पहनाते थे तो गले में भारी हो जाती थी, वो बार बार माला निकाल के रख रहे थे, तो उनको लगा कि भाई इतना माला का बोझ कैसे ले सके। देखते हैं अभी आप लोग बड़ा बड़ा माला बनाते हैं, तो कुछ लोग उधर खड़े होते हैं, कुछ लोग इधर खड़े होते हैं, तो माला का बोझ रहता, अगर उसको डाल दीजिएगा तो गंदा नहीं झुक जाएगा। तो उनकी इसी बात में थी कि अच्छा है कि मूर्ति पत्थर के होते हैं, ताकि वो भक्तजनों का जो प्रेम है उसे स्वीकार कर सके, उसके बोझ को, प्रेम का बोझ जो है उसे सहन कर सके। वो सबको जोड़ करके कैसे लोगों से प्रेम करना, लोगों को जोड़ना, लोगों के प्रति समर्पण दिखाना, ये उनकी कला थी। और इसलिए पक्ष और विपक्ष सभी उनको मानने का काम करते थे, कोई उनसे बैर नहीं करते थे। सब लोग चाहते थे कि अटल जी एक अच्छे वक्ता भी हैं, वो एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे राजनेता, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ, वो एक अच्छे कवि, मतलब कितने चीजों में हम पुरस्कार की बात करें वो कम है, और उनके बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। जितना हम लोग बोलेंगे वह कम ही होगा। अगर आप आज हम बोले हैं कि गांव से लेकर शहर तक अगर किसी ने जुड़ने का काम किया है, गांव को पंचायत से, पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से जिला को, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने ही दिए। पहले किस प्रकार शासन तंत्र चलता था देश में आज सबको पता है, लेकिन पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट करने का अगर कोई साहस किए तो वह वाजपेयी जी थे। दुनिया में काफी इन पर दबाव पड़ा, अमेरिका ने कहा था क्या परमाणु परीक्षण का विचार त्यागिए, नहीं तो पाकिस्तान आप पर परमाणु बम से हमला करने का। वाजपेयी जी ऐसे थे जिन्होंने पूरी ताकत से बोला था अगर पाकिस्तान हमला कर सकता है तो करे, लेकिन पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो मेरा भारत का कोई एक शहर का नाम निशान मिटेगा, लेकिन हम हमला करेंगे तो दुनिया के मानवीय से पाकिस्तान का नाम मिटेगा। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनका आज हम लोग आज कर रहे हैं।